हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन का बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं अपना लेटेस्ट अपलोड दूँ उसका मैसेज और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चले फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मटर और सूजी का बहुत ही ज़्यादा एक टेस्टी सा नाश्ता। इसे आप स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्विक और इजी रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक बोल में डाला है 200 ग्राम के बराबर सूजी यानी सेमोलिना, और एक कटोरी के बराबर मैं इसमें ऐड करूँगी दही कर्ड, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। तो इसमें अराउंड 1 कप के बराबर हमें पानी ऐड करना है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे ढक कर रख देंगे 15 मिनट्स के लिए ताकि अच्छे से फूल जाए। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं और सूजी अच्छे से फूल चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी मटर। तो 1 कटोरी के बराबर मैंने मटर लिया था, फ्रेश मटर, और इसे मैंने हल्का सा दरदरा पीस लिया है। इसे हम ऐड कर लेंगे सूजी के मिक्सचर में। नमक ऐड करना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। प्याज ऐड करना है फाइनली चॉप किया हुआ, तो एक मीडियम प्याज लिया है मैंने। और साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। हल्दी ऐड करेंगे अराउंड 1 टीस्पून के बराबर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना डालें। साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा 1/2 टेबल स्पून के बराबर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब दोबारा से इसे हम ढककर रख देते हैं और इसका हम तड़का तैयार करेंगे। तो अगर आप टेम्परिंग डाल के बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हम तड़का बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है एक पैन। उसमें 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ऐड करेंगे, साथ में करी पत्ता ऐड करना है और मस्टर्ड सीड 1 टेबल स्पून के बराबर यानी सरसों के दाने। और जब ये क्रैकल करने लगेगा तब मैंने इसमें ऐड किया है लाल मिर्च का पाउडर। तो अगर आप चाहे तो जो सूजी के बैटर में भी आप डाल सकते हैं हरी मिर्च, अगर बच्चे खाते हो तो इस तरह से आप छोंक लगा सकते हैं। तो मैंने लाल मिर्च ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून के बराबर, और इससे हल्का सा पका लेने के बाद हम इसमें डाल देंगे सूजी के बैटर में। अब मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर डालूंगी सोडा। तो ये खाने वाला सोडा है, इससे हल्का और लाइट बनेगा और साथ में क्रिस्पी भी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और तेल मैंने ऑलरेडी गरम करने रख दिया है फ्रेंड्स। तो ये हमारा बैटर तैयार है और साथ में तेल भी गरम हो चुका है। अब आप जैसा चाहे छोटा बड़ा जैसा भी वड़ा सेक सकते हैं। तो हल्का सा हाथ में आपको पानी लगाते हुए सेकना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम सेकेंगे क्रिस्पी होने तक। जब एक तरफ से ये अच्छे से सिक जाए तभी हम इसे पलटेंगे। बहुत ही अच्छा ये क्रिस्पी और यमी सा स्नैक्स बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा क्विक एंड ईजी रेसिपी है। तो ये एक तरफ से सिक चुका है, इसे हम इसी तरह से पलटते हुए पका लेंगे। तो ये हमारा क्रिस्पी स्नैक्स बनकर तैयार है। अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी होता है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी। आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें स्पाइसेस कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा चटपटा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा मिर्च वगैरह डाल सकते हैं। तो ये हमारा सिक चुका है एक बैच, इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरह से दूसरा बैच भी हम तैयार कर लेंगे और फ्रेंड्स, इसे आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी यमी और क्विक स्नैक्स है। तो ये सारे मटर के वड़े हमारे तैयार है। इसे आप चटनी के साथ खाइए या सॉस के साथ या नारियल की चटनी के साथ, बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है फ्रेंड्स। मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ। अंदर से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये मॉइस्ट है, सॉफ्ट है, और ऊपर से अच्छा खासा क्रिस्पी है ये। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।